अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एमएस वर्ड की सीरीज़ का सेशन नंबर 14 है। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंसर्ट टैब है। ये इंसर्ट टैब का पार्ट नंबर 9 है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो पार्ट नंबर 8 था, और 8 में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि आप किस तरह से क्लिप आर्ट पे काम कर सकते हैं, किस तरह से आप शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक लास्ट में ब्लैंक पेज क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद में अब इस ब्लैंक पेज पे काम करूँगा। सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली ये क्या होता है कि आपके पास एक ग्राफिक्स इंटरफेस होता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, डिफरेंट लेआउट होते हैं जहाँ पे आप जो है एक आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। एक मैं जर्नली एग्जांपल दूँ तो आपके पास क्या होता है, एक फ़्लो होता है। फ़्लो क्या होता है कि आप जो है वो पहले फर्स्ट ईयर पास करेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर पास करेंगे, उसके बाद आप थर्ड ईयर पास करेंगे, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से आपके पास ओवरऑल सेमेस्टर पास करने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो मींस के वहाँ पे स्टेप और स्टेप में ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये बुक पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पहले डायग्राम बने हुए हैं ग्राफिक्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे। तो एक दफ़ा यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं कि आपको जो है किस कैटेगरी का यहाँ पे डायग्राम डिज़ाइन करना है। लिस्ट का हो गया, प्रोसेस का हो गया, साइकिल क्या हो गया, रिलेशनल का हो गया, या आप क्लिक करें मुझे आल चाहिए, मींस के उनमें से आप फिल्ट्रेशन यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उनकी इंफॉर्मेशन वर्टिकल बॉक्स लिस्ट है, आप क्लिक करें ओके। तो ये आपके पास क्या है, एक डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स में। एक चीज़ यहाँ पे दो टैब एक्टिव हो रहे हैं, जिस तरह से हम टेबल पे काम कर रहे थे तो आपके पास दो टेबल एक्टिव हो रहे थे, एक डिज़ाइन का एक लेआउट का। लेकिन यहाँ पे एक जो आपके पास टैब है, एक है डिज़ाइन का और एक है आपके पास फॉर्मेट का। और अब डिज़ाइन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लेआउट की डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मीन्स के इस लेआउट को किसी और शेप में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कि आप अगर इस डिज़ाइन का कलर चेंज करना चाहें तो आप यहां से उस डिज़ाइन का कलर चेंज कर सकते हो। देन यहां पे जैसे आप कलर चेंज करेंगे तो यहां पे उनकी स्टाइलिंग होगी कि आपको 3D में चाहिए, 2D में चाहिए। यहां पे आपके पास आइकन शो रहा है, यहां से आप क्लिक करना चाहें तो सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे रीसेट ग्राफ, मींस के आप जो है वो प्रीवियस स्टेप पे जाना चाहते हैं, जो इनका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में आपके पास क्या है कि यहाँ से आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मींस के शेप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चेक करेंगे तो इनका क्या है, शेप चेंज हो रहा है, मींस के उसका कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से आप कलर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपके पास कलर हैं कि आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें, फिल करना चाहें, कर सकते हैं। आउटलाइन मींस के आप जो है यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उनकी लाइन चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेक करेंगे ये आपके पास क्या है, लाइन चेंज हो रही है, मींस के उनका जो बॉक्स का लाइन है वो चेंज हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उनको शेड रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्लो करना चाहें, तो आप यहाँ से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ के ये आपके पास टेक्स्ट है, आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, जो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट देना चाहें, जिस तरह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर,
next third semester. इस तरह से आप ये टैक्स चेंज कर सकते हैं. देन आप इस टैक्स का कलर अगर आप चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं. किस तरह से फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये रहा आपके पास कि आप जो है वर्ड आर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं वर्ड आर्ट की. वर्ड आर्ट का मतलब क्या है? वर्ड आर्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट है. कैसे? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चेक करें वर्ड आर्ट का कलर चेंज हो रहा है. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत सारे यहाँ पे वेरियस कैटेगरी हैं. आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं. इस तरह से यहाँ से आप जो है वो स्टाइल था, यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. इस तरह से यहाँ पे आप जो है लाइन का कलर चेंज करना चाहें तो आप जो है वो भी कर सकते हैं. इस तरह से टेक्स्ट का इफ़ेक्ट मीन्स के जैसे कि मैं यहाँ पे ग्लो करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो चेक करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है, टेक्स्ट जो है वो ग्लो हो रहा है. तो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप जो है यहाँ से उस टेक्स्ट की पोजीशन सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो है मीन्स के ये ओवरऑल जो डायग्राम है उनकी पोजीशन सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं. इस डायग्राम को रोटेट करना चाहें तो आप यहां से रोटेट कर सकते हैं. चेक करेंगे ये डायग्राम आपके पास रोटेट हो रहा है. मैं कंट्रोल जेड करता हूं ताकि उसी फॉर्मेट में आए. एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि अब आपके माइंड में ये आता होगा कि एक्चुअल ये तीन सेमेस्टर हमने ऐड किए हैं, अगर हमें चौथा सेमेस्टर भी ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास आइकन शो हो रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड. आप थर्ड के बाद आके इंटर करें. इंटर करेंगे तो चेक करें आपके पास क्या है, ये एक और जो है लेआउट मींस के आपका डायग्राम बन गया है. इस तरह से यहाँ पे आप लिखें फोर्थ, देन इस विंडो को क्लोज कर दें तो ये आपके पास क्या है, ये फोर्थ भी आप ऑप्शन आ गया, फोर्थ सेमेस्टर भी आ गया. एक और तरीका है, यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी करें और कंट्रोल वी मींस के पेस्ट करें तो ये आपके पास क्या है, एक और जो है आप ऑप्शन आ गया. यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर को भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है कि आप किस तरह से इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं. अगर आप इस स्मार्ट आर्ट को चेंज करना चाहें तो आपको सिंपल क्या करना है, आप डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं. तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.